शांति आज की तारीख है चौबीस चार बीस और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक हम सभी जानते हैं कि यह सृष्टि चार युगों से चक्कर लगाकर अब आकर कलयुग के अंत में पहुंची है कल्प के चार युग ये तो सभी जानते हैं सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग परंतु पांचवा भी एक युग है अब ये जानकर आप चौंकेंगे कि ये पांचवा युग कहाँ से आया ये युग ऐसे है कि परम पिता परमात्मा जब सृष्टि के अंत में धर्म की ग्लानी हानि होती है तब सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उनके इस अवतरण के समय को कहते हैं संगमयुग संगम क्यों कहते हैं क्योंकि प्रभु और अवतरित होते हैं जो कलयुगी पुरानी दुनिया है उसे सतयुगी नई दुनिया बनाने तो कलयुग का अंत सतयुग का प्रारंभ तो इन दोनों के बीच के समय पर प्रभु सृष्टि पर आते हैं और इसीलिए इस समय को जिससे हम गुजर रहे हैं वो है संगम युग तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे सर्वोत्तम युग ये संगम है इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो बाकी तो हम भक्ति करते रहे परंतु प्रभु से तो नहीं मिले तो ये है सच्चा सच्चा कुंभ यही सच्चा कुंभ है जहाँ मेला लगता है लाखों मनुष्य आते हैं और वहाँ आकर के स्नान करते हैं तो ये संगम का समय भी कुंभ का मेला है प्रभु ज्ञान के सागर आते हैं और हम सभी आत्माएं लाखों की संख्या में ज्ञान स्नान करती हैं प्रश्न है कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते उत्तर है देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं ये पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है तुम जानते हो कि हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए अभी नाटक पूरा होता है ये ड्रामा बना बनाया है इसे कोई ने बनाया नहीं इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है गीत बजा है जाग सजनिया जाग नवयुग आया नवयुग आया धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी है एक बाप से ही अविविचारी ज्ञान सुनना है नंबर दो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा, पूरा पुरुषार्थ करना है बुद्धि में रहे कि ये पुरानी दुनिया दुख देने वाली दुनिया है इसलिए इसे भूलना है इससे बेहद का वैराग्य हो पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य आना चाहिए क्योंकि बाबा जो कि हम सभी आत्माओं के पिता हैं वो नई दुनिया हमारे लिए बना रहे हैं वरदान सतगुरु बाबा का फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव कईयों का स्वभाव कैसे होता है बात होती है राई जैसी लेकिन उसको पहाड़ जैसी बड़ी बना करके पेश करेंगे तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है पहाड़ को राई करना है और राई को एकदम नाश कर देना है स्पष्टीकरण है मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है इस पाठ से अभूल एकरस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो फादर करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो इससे अपने ही संकल्प की जाल में स्वयं ही फंस जाते हो फिर समय भी लगता है बाहर निकलने में और अपनी शक्तियों को भी मुक्त होने के लिए लगाना पड़ता है अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगे और तुम्हारा जमा हो जाएगा स्लोगन सुविचार सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ सरल स्वभाव वाले कैसे होंगे हर बात को जी हाँ हाँ जी का पाठ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और हरेक के विचारों को जहाँ राइट है जहाँ मेजोरिटी है उसको स्वीकारने की क्षमता रखते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते ओ शांति टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब Subscribe us on youtube.com slash TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.